आज हम बात करेंगे नेक्स्ट प्लेनेट वीनस के बारे में, शुक्र के बारे में। ज्योतिष सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप उसके तत्व को समझ लें, उस ग्रह के नेचर को समझ लें, उस ग्रह के एक्शन को समझ लें, तो हमें फलित करते समय दिक्कत नहीं आती है। अब शुक्र ग्रह के बारे में कुछ चीजें तो भ्रांतियों के रूप में समाज में है, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। अगर हम उन सब चीजों को अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। पहले मैं आप लोगों से ही एक एक करके समझना चाहूंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं शुक्र को बहुत सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आज की क्लास में सभी के लाभ के लिए आप एक्सप्लेन करें, हैंड रेज करें, जो भी बोलना चाहता है। शुक्र ग्रह क्या है, ये किस तरह से एक्शन करता है हमारी लाइफ के अंदर, इसकी क्या रेलिवेंसी है, इन पर हम चर्चा करेंगे और फिर हम अपना इनपुट देंगे। हाँ लीना जी बताइए। सर, शुक्र जो है हमारा ऐश्वर्य है, लाइफ का लग्जरी ऐश्वर्य जितनी भी आती है वो सब शुक्र से आती है। है जी। और मेल चार्ट में जो फीमेल का प्लैनेट होता है वो शुक्र है, हमारी वाइफ भी शुक्र से आती है। जी और सर इतना ही बोलूंगी मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये मैं आप लोगों की प्रैक्टिस साथ में करवा रहा हूं। पहले जब आप बोलना आ सीखेंगे तो आप के ऊपर एक रही प्रेशर क्रिएट होता है और आप अगली बार से और अच्छे से उसमें कॉन्फिडेंस आता है। सबसे पहले पब्लिक के सामने वही बात बोलनी चाहिए जिसमें आपकी मास्टरी हो। चाहे आपको चार लाइन मालूम है, पर चार लाइन ही बोलिए, 10 की जरूरत नहीं है, पर जो बोलिए सही बोलिए, उसमें प्रयास कीजिए ऐसा। हाँ मंजीत जी गुरु जी, सबसे मेन जो है ये प्लैनेट ऑफ एंजॉयमेंट है। जितना भी हम जी पैसा कमाते हैं उसको कैसे एंजॉय करते हैं, कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो शुक्र ग्रह डिसाइड करता है। उसके अलावा लाइफ पार्टनर है एंड हेल्थ है। रिपीट रिपीट मत कीजिए जो भी एक ने जी बोल दिया ना, नहीं तो फिर दिक्कत जी होगी। कोई नई चीज आपके दिमाग में आ रही है तो वो हम करेंगे, नहीं तो लाइफ जी पार्टनर को हर कोई बोलेगा। हाँ थोड़ा सा मैं जी कहूँ सर। हाँ अभी आ रहे अरविंद जी। हाँ मंजीत जी और बोलिए, कुछ बोलना है। हाँ गुरु जी, हेल्थ हेल्थ का भी इश्यूज हम देखते हैं, जैसे डायबिटीज वगैरह, ये जो डिजीजेस होते हैं ये भी हम यहाँ से देखते हैं। बहुत बढ़िया दैट्स इट। जी। हाँ अरविंद जी आप बताइए प्लीज। शुक्र दैत्य गुरु है जी, देते हो, बहुत बढ़िया बृहस्पति का शत्रु है, जी, बहुत बढ़िया, प्रकाशित ग्रह है, स्त्रीवाचक है, बहुत बढ़िया। सौंदर्य और आनंद का उपासक है। अच्छा एक मिनट, मैं बीच में टोक रहा हूँ। अरविंद जी ने एक लाइन कही है कि ये प्रकाशित ग्रह है, तो इसका मायने समझ में आया आपको? अगर कहीं डाउट तो नहीं है कि प्रकाशित क्यों कहा इन्होंने? एक ये ग्रह है जो आप नंगी आंखों से भी देख सकते देख हैं, सकते हैं। और ये इसे भोर का तारा भी कई बार कहा जाता है। ये यस बिल्कुल सर। लाइट तरह चमकता है, तो इसी तरीके से जिस भी व्यक्ति पर शुक्र मेहरबान हो जाए वो चमकता है। जी अरविंद जी प्लीज आगे कीजिए। सौंदर्य और आनंद का परिचायक है। बहुत बढ़िया, व्यक्ति के गृहस्थ में अगर अस्त हो तो अस्त व्यस्त कर देता है। बहुत बढ़िया। यही काफी है। हाँ कविता जी। लाइफ की सभी ऐश्वर्य का कारक है शुक्र। शुक्र ब्यूटी का कारक है, शुक्र सुप प्लैनेट है, और शुक्र अपोजिट सेक्स में लोग जातक को प्रिय बनाता है, जी और शुक्र संजीवनी कहलाता है। जी जीवनी शुक्र के पास संजीवनी बूटी है, तो उसकी थॉट बूटी नहीं है प्रोसेस। कविता जी, संजीवनी बूटी नहीं है, संजीवनी विद्या है, विद्या है। विद्या है जी। हाँ, और
शुक्र है जो किसी भी सिचुएशन से निकल सकता है, शुक्र वाला व्यक्ति में उतनी वो मेंटल एबिलिटी होती है, मेंटल एबिलिटी होती है। मेंटल एबिलिटी का शुक्र से लेना देना नहीं है। खैर हाँ गायत्री जी। सर शुक्र हमारी स्किन की चमक है और शुक्र जो है वो इत्र है और साफ सफाई है। बहुत बढ़िया। जिसका व्यवस्थित होता है उसका मन व्यवस्थित होता है। बहुत बढ़िया। ज्योति जी। सर शुक्र अट्रैक्शन है, आदमी को अट्रैक्टिव बनाता है, प्लस ये एक हाई लेवल की चॉइस रखता है। जिसके शुक्र एक्टिव होगा उसकी चॉइस हाई ब्रांड होगी, सब चीज हाई लेवल का उसको पसंद होगा। और सर क्या हम शुक्र को सेक्सुअल पावर भी बोल सकते हैं? पावर नहीं बोलना, पावर कम्स फ्रॉम द मार्स। ओके जी। बट सेक्सुअल डिजायर क्या ये वर्ड यूज कर सकते हैं? हाँ यस जी सर। और सर ये भौतिक सुखों के लिए इंसान को प्रेरित करता है और उसको पाने की इच्छा भी रखता है। भौतिक सुख के लिए सबसे बड़ा प्लेनेट शनि है जी सर। जी जी जी, क्योंकि ये भौतिक सुख से ज्यादा लिविंग सुख के अंदर ज्यादा बिलीव करता है वीनस। चलिए मैं बताऊंगा अमर जी। और सर ये फ्रेंडली रहता है सबसे। हाँ ये अच्छी बात कही आपने अमर जी। हाँ हाँ गुरुजी, शुक्र जो ग्रह है ये एक समकीला एक ग्रह है, जैसे ये सूर्य के भी पास होते हैं और पृथ्वी के हिसाब से हम लोग यहाँ से नंगे आंखों से देख सकते हैं उसको। जी जी। और लग्जरी के हिसाब से शुक्र ग्रह उसको रिप्रेजेंट करते हैं गुरु जी। और वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट में उसका साउथ ईस्ट उसका एरिया है जी। तो इसी हिसाब से हमारा जीवन में शुक्र का एक्चुअली हम लोग एक बहुत गलती करते हैं, जो मतलब शुक्र का अगर प्रभाव रहा तो 2-3 शादियां करेंगे ऐसा। एक्चुअली आपका क्लास से हम लोग समझ गए, पहले भी हम लोग वैदिक में भी, ये शुक्र ग्रह ऐसा नहीं है और चंद्र के बाद शुक्र ही है जो चमकते है ज्यादा। और गुरुजी जो है जो समुद्र जो है तो उसका जो जैसे खड़ा पानी, ये खड़ा पानी ये शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, खारा पानी शुक्र को रिप्रेजेंट नहीं करता है, चंद्र को करते हैं। हाँ चंद्र को करता है। हाँ, मीठा पानी मीठी नदियों का पानी, मीठा पानी शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। आरचना जी। मेरे को ही पढ़ सर। सर ये थोड़े साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड दूसरे जने की क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या उनकी इमोशंस हैं, दे अंडरस्टैंड सेंसिटिविटी एंड दे आर क्वाइट क्रिएटिव एंड गुड इन मोस्ट ऑफ द फाइन आर्ट्स एंड दे आर आल्सो लिटिल लेजी। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अंतर हमें समझना पड़ेगा आर्ट के शौकीन होना और आर्टिस्ट होना, एक बहुत ही महीन अंतर है। प्योर वीनस इज नॉट आर्टिस्ट। प्योर वीनस जो है आर्ट को पसंद करता है। आर्टिस्ट वो होता है जो आर्ट को परफॉर्म करता है, और आर्ट को परफॉर्म करने में राहु का बहुत बड़ा रोल है, मार्स का बहुत बड़ा रोल है। यही कारण है जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, जिनके पास जितनी बातें आप कह रहे हो, कंफर्ट जोन, लग्जरी, ऐश्वर्य, ये सब चीजें हैं, बट वो आर्टिस्ट नहीं है। या आप ये नहीं कह सकते कि 100% ये आर्टिस्ट ही होंगे, पर हाँ उन्हें आर्ट देखना पसंद है, म्यूजिक सुनना पसंद है, ये आप कह सकते हैं। रचना जी। जी गुरु जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शुक्र मन की खुशी है। जिस इंसान का शुक्र अच्छा होगा, जिसका भी शुक्र अच्छा होगा, वो व्यक्ति बुरे से बुरे हालात से भी खुश रहने की कोशिश करेगा। वेरी गुड। एंड सेकेंडली गुरु जी, जो आदमी मतलब खुश, अगर शुक्र आपका एफेक्टेड हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए, तो वो अपने मन की खुशी के लिए सीमाएं लाद लेगा, उसमें ये कहने की कैपेसिटी है। सुनील जी। जिसका शुक्र अच्छा हो उसका घर साफ सुथरा और ब्यूटीफुल भी होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है।
स्वीट स्वीट भी उसे पसंद होते हैं या रेस्टोरेंट फूड जैसे बिजनेस में भी वो आगे आ सकता है। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि आप लोगों को शुक्र के बारे में काफी अच्छा मालूम है। पर जब भी हमारे दिमाग में शुक्र आए तो आपने शुरुआत कैसे कर दिमाग के अंदर कि शुक्र को कैसे समझे? ये जो आपने कारक चीजें बताई है ये सब ठीक है, शुरुआत कैसे करनी है? पूरे शरीर के अंदर दो अंग ऐसे हैं जिनके ऊपर शुक्र का प्योर प्रभाव है। सबसे पहले आपकी जीवा, आपकी टंग, और जीवा का काम है टेस्ट को महसूस करना, किसी चीज को चख करके ये बताना अपने ब्रेन को कि इसका टेस्ट अच्छा है या बुरा है, ये काम हमारी जीभ करती है। ब्रेन को एक मैसेज जाता है और उस मैसेज के बाद आपकी पूरी बॉडी में एक अलग ही क्रिया होती है। अगर आपको वो चीज बहुत अच्छी लगी है तो आपके शरीर में एक आनंद का प्रभाव होगा। अगर वो चीज आपको अच्छी नहीं लगी है तो बॉडी उसको रिजेक्ट करेगी। यही कारण है जब हम खाना खाते हैं और कोई टेस्टी चीज खाते हैं तो हम कहते हैं वाह मजा आ गया, अरे वाह वाह मजा आ गया। वीनस का एहसास अपने आप में पूरे शरीर को संतुष्ट करने का कार्य करता है। तो जो संतुष्टि शब्द है जिसे इंग्लिश में हम सेटिस्फैक्शन कहते हैं, ये वीनस का ही शब्द है। जीवन में आप अपने जीवन के पक्ष की किसी भी चीज में सेटिस्फाइड जभी होंगे जब आपका शुक्र आपको इजाजत देगा। जिस चीज में शुक्र इन्वॉल्व नहीं है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई एक्शन है, कोई काम है, अगर उसमें वीनस इन्वॉल्व नहीं है तो वो आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो लोग कहते हैं हमने पास पैसा नहीं है बट वी आर सो सेटिस्फाइड, वीनस उनका भी खराब नहीं है। ये हमें ध्यान से समझ, वीनस उनका खराब नहीं है क्योंकि वो हर चीज में सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं। जो व्यक्ति जितना ज्यादा अनसेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, समझना शुक्र उतना ही गड़बड़ है। ये साधारण लक्षण मैंने आपको बता दिया। अब वो चाहे आप अपने काम से अनसेटिस्फाइड हैं या आप अपने लाइफ के रिलेशनशिप से अनसेटिस्फाइड हैं, अनसेटिस्फेक्शन शुक्र की कमजोरियों को दिखाता है। इतनी बात हमें समझ लेनी चाहिए। अब जो जीवा है वो टेस्ट के अलावा आपके शब्दों को बाहर निकालने में, आपकी शब्दावली में मिठास या खटास पैदा करने में भी जीवा का बहुत बड़ा रोल है। कई बार आपने सुना होगा कहावत, अरे यार ये तो काली जीभ का आदमी है, ये तो जीवी काली है, ये जो बोलता है नेगेटिव, जो बोलता है काली जीभ का मतलब नेगेटिव बोले तो वो घटना घट जाए, पॉजिटिव बोले तो कोई गारंटी नहीं। इसीलिए कहते हैं ये आदमी काली जीभ का आदमी है, भाई नेगेटिव बोल देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि जो आपकी भाषा है, आप जिस भाषा के द्वारा व्यवहार करते हैं इस दुनिया से, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जिस आदमी का शुक्र अच्छा होगा उसकी भाषा
बहुत ही संयमित, मीठी और मन को प्रसन्न करने वाली होगी। इन्हीं सब बातों से आपको पता लग जाएगा कि शुक्र अच्छा या शुक्र बुरा। सामने वाले को ऐसे मीठे वचन कह दे जिससे सामने वाला आपकी प्रति आकर्षित हो जाए। सम्मोहन, पहला सम्मोहन आपकी काया है, आपके वस्त्र हैं, पर दूसरा सबसे बड़ा सम्मोहन वाणी है। और वाणी लॉन्ग टर्म तक काम करती है, आपकी काया लॉन्ग टर्म तक काम नहीं करती। आपके शरीर का आकर्षण जवानी में है या बचपने में है, परंतु बुढ़ापे में वो आकर्षण स्वतः ही समाप्त होने लगता है। यानी कि शुक्र का प्रभाव अब ढलने लगा है, पर वाणी का प्रभाव जवानी से लेकर के मरते दम तक असर पैदा करता है। इसलिए कोई व्यक्ति कितना मीठा बोलेगा ये शुक्र डिसाइड कर देता है। अब हमें समझना होगा कि यह बात मीठे शब्द से जो आ रही है ये इसलिए भी आ रही है, हमारे शरीर का मीठा पानी, हमारे शरीर का मीठा पानी वीनस है। और जितना ज्यादा मीठा पानी हमारे शरीर का होगा उतना ही ज्यादा व्यक्ति की सोच पॉजिटिव होगी, उतना ही वो उम्दा सोचेगा, उतना ही वो विस्तार से सोचेगा। विस्तार से सोचने का तात्पर्य जिसमें कोई सीमा ना हो, एंडलेस का मतलब ऐसी सोच जो सीमाओं को नहीं मानती, जो बाउंड्रीज को नहीं मानती, ऐसी सोच जो गरीब और अमीर को एक प्लेटफार्म पर बिठाती है, ऐसी सोच जो गरीब और अमीर के अंदर फर्क महसूस नहीं करती, बल्कि इंसान और इंसान के रिलेशनशिप को सबसे ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी देती है। जिसका शुक्र अच्छा होगा वो गरीब को गरीब की निगाह से ना देख करके उसे इंसान की निगाह से देखेगा और उसकी हेल्प भी इसीलिए ही करेगा। इसीलिए ये बहुत ज्यादा हेल्पर होते हैं, ये बहुत हेल्पफुल लोग होते हैं, ये बड़े दयालु होते हैं, इसलिए इनको यूनिवर्सल फ्रेंड भी कहा जाता है। ये किसी भी जाति में, मजहब में विश्वास नहीं रखते। विश्वास का मतलब, जैसे अगर मैं हिंदू हूं और मेरा शुक्र अच्छा है तो मेरे सामने मुसलमान ही क्यों ना हो, सिख क्यों ना हो, ईसाई क्यों ना हो, मैं उसको धर्म के आधार पर उससे व्यवहार नहीं करूंगा। अर्थात बड़े काम का सूत्र दे रहा हूं। जो लोग कहते हम कट्टर हैं, हम धर्म के कट्टर हैं, हम अपने धर्म के लिए मर जाएंगे, मार देंगे, ये भाषा उनकी है जिनका शुक्र कमजोर है, उनकी कुंडलियों में शुक्र अच्छा नहीं है। जो व्यक्ति कहता है मैं कुरान भी पढ़ सकता हूँ, मैं गीता भी पढ़ सकता हूँ, जो कहता है मुझे तो गुरुवाणी भी सुन लेता हूँ, जो कहता है जो बेस्ट चीज किसी में मुझे मिलती है मैं रख लेता हूँ, बाकी फेंक देता हूँ, अर्थात जीवन का मीठा पानी मैं ले लेता हूं और खारा पानी छोड़ देता हूं, वो शुक्र के अच्छे होने की निशानी है। शुक्र ग्रह बस उसी प्रकार से है जैसे कि आप इम्प्योरिटीज को बाहर कर दे और प्योरिटी को अपने अंदर ले ले। आपके अंदर की प्योरिटी, आपके जीवन की प्रायोरिटी, प्योरिटी आपके घर की प्योरिटी, बहुत लोगों ने कहा है साफ सफाई, आपके शरीर की साफ सफाई आप कितनी रखते हैं, शुक्र डिसाइड करेगा।
हम कितनी बार जाकर के नेचुरोपैथ सेंटर में जाके अपना पंचकर्मा करवाते हैं या घर पर ही बैठ करके अपने शरीर की सफाई का इंतजाम करते हैं। हम डिटॉक्सिफिकेशन साल में कितनी बार करते हैं, ये सब शुक्र ही डिसाइड करेगा। शुक्र टॉक्सिन्स को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, इसलिए एक प्रकार से ये हमारा इम्यूनिटी के फोर्स को बढ़ाने वाली सबसे बड़ी पावर है। इसलिए इसको कुछ लोग व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ भी जोड़ते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये तो जवानी है, और जैसे जवानी के अंदर उमंग, उत्साह, तरंग ऐसी भावनाएं बहुत प्रबल होती हैं, और जवान आदमी कभी भी धर्म, जाति, मजहब के आधार के ऊपर डिसीजन नहीं लेता। यही वो ग्रह है जो लव मैरिज करने को ललायित करता है, जो कहता है मत देख जाति, मत देख मजहब, मत देख तू धर्म, सिर्फ एक ही प्रायोरिटी ले, क्या तुझे वो व्यक्ति अच्छा लगता है। अगर उसके आधार पर वो जब अपने रिलेशन को आगे बढ़ाता है, यानी कि प्रेम के आधार पर जब वो रिलेशन बढ़ाता है, तो ये शुक्र का ही प्रभाव। जीवन में प्रेम दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेम कंडीशनल लव, एक अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव कम्स फ्रॉम द जुपिटर एंड सन। फिर से मैं रिपीट करूंगा, अनकंडीशनल लव कम फ्रॉम द जुपिटर एंड सन, एंड कंडीशनल लव कम फ्रॉम द वीनस। कि मैं तुझसे प्यार करता हूं तो तू भी मुझसे प्यार कर, और मैं उसी समय तक तुझसे प्यार करूंगा जब तक तू हमसे प्यार करे। ये वीनस की फिलॉसफी है। अब इस फिलॉसफी में वो एक बात कहता है, मुझे तेरी गरीबी, अमीरी, जाति, धर्म, ऊंच नीच से कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये भी नहीं लेना देना कि तू हिंदुस्तान का है या पाकिस्तान का है या साउथ कोरिया का है, कि तू जापान का है या तू चाइना का, से कुछ लेना देना नहीं है। बट वो प्रेम तो करता है, बट कंडीशनल प्रेम करता है, सेलेक्टिव प्रेम करता है। इसीलिए जब कोई इंसान अपनी मनपसंद चीज को खाएगा, पिएगा, उसके साथ रहेगा, तो सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। और इसके विपरीत अगर कुछ हो जाएगा तो सेटिस्फेक्शन लेवल कमजोर हो जाए। ये आपकी कुंडली का वीनस आपको समझा रहा। जीवा के बाद दूसरा हमारा प्रभाव क्षेत्र है, वो है जननांग, जो हमें वो बताता है हमारी काम ऊर्जा के बारे में, जो हमें एहसास कराता है हमारी काम ऊर्जाओं का, जो हमारे अंदर इच्छा पैदा करता है, काम ऊर्जा पैदा करता है। ये हमारे जननांग के माध्यम से कारण बनता है संतान उत्पत्ति का। संतान उत्पत्ति में शुक्र का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए किडनी, यूरेटर और साथ में किडनी का ब्लैडर, यूरिन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या सेक्सुअल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के पीछे शुक्र की कमजोरी ही जिम्मेवार है। चाहे इसे हम डायबिटीज भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, परंतु डायबिटीज का जब भी कोई व्यक्ति कहता है मुझे डायबिटीज है,
तो आपके दिमाग में जाना चाहिए शुक्र कमजोर है, और शुक्र कमजोर का मतलब सीधा सीधा जाना चाहिए ये आदमी अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है, इसकी जीवन में असंतुष्टि का भाव कुछ ज्यादा है, पर वो टाइप टू वाली डायबिटीज के विषय में मैं ये बात कह रहा हूं। जो लोग जीवन में खुश नहीं होते, जो लोग अपने जीवन में सेटिस्फाइड नहीं होते, जिनके जीवन में उमंग तरंग उत्साह नहीं होता और जिनके जीवन में मनचाही चीजें नहीं होती, लग्जरी का यहाँ पर एक मायने मनचाही चीजों से भी रिलेटेड है। लग्जरी का यहाँ पे मायने ये है, जिस चीज को तुम लग्जरी समझते हो वो चीज तुम्हारे पास अगर है तो आप लग्जरी में जी रहे हैं। इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा, अगर आपके पास मात्र 5 लाख रुपए वाली कार है पर आप उसे बहुत प्यार करते हैं, उस कार को, उस गाड़ी से आप बहुत प्यार करते हैं, और दूसरा जो पड़ोसी है जिसके पास 60 लाख रुपए की गाड़ी है, तो शुक्र क्या कहता है? शुक्र कहता है यू आप भी लग्जरी वाले, आपकी 5 लाख की गाड़ी आपके लिए आपकी लग्जरी है, 60 लाख और 5 लाख बराबर। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्र तो गरीबी अमीरी में तो अंतर करता ही नहीं ना, ऊंच नीच में तो अंतर करता ही नहीं, उसका टेस्ट ऊंचा है। टेस्ट ऊंचे का मतलब यहां पर अब वो गाड़ी कीचड़ में सनी हुई नहीं होनी चाहिए, साफ, बिल्कुल एक धूल का कण भी नहीं होना चाहिए, बेचारा रोज साफ करेगा, बड़े प्यार से रखेगा, उसमें खुशबू लगाएगा, अगरबत्ती लगाएगा, मतलब वो इतना प्यार करेगा उसके साथ, जो मोहब्बत करेगा उसके साथ, ये उस व्यक्ति की लग्जरी। जीवन में कोई भी सिलेक्टिव चीज जिसको तुमने पसंद किया है, जीवन की कोई भी सिलेक्टेड रिलेशनशिप जिसे तुमने लाइक किया है, अगर वो तुम्हारे जीवन में है तो शुक्र तुम्हारे जीवन में, अगर ये सब उल्टा है, जिसको लाइक नहीं किया वो जीवन में है तो बस गया शुक्र। तो शुक्र को समझने में शरीर के दो अंगों को आप हमेशा ध्यान रखें, इसी से सारे राज खुलते चले जाएंगे कि शुक्र आपके जीवन में क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, इसलिए कुछ ने कहा ये तो मोम की तरह हैं, जैसे आप कैंडल जलाते हैं मोम थोड़ी सी आग देखता और पिघलने लग जाता है। यानी कि जिन लोगों का शुक्र अच्छा है, अगर आप उनके प्रति ग्रेटिट्यूड शो करते हैं या रिलेशनशिप शो करते हैं, रेस्पेक्ट शो करते हैं, उनके अंदर बिलीव करते हैं, तो आपके अपने हो जाएंगे, वो आपको अपना मान लेंगे, और फिर केयरिंग बहुत होते हैं। शुक्र वाला व्यक्ति जिसका अच्छा होगा वो बहुत केयरिंग नेचर का होगा। अगर कोई आपकी बहुत ज्यादा अच्छी केयर करता है तो समझ लीजिए ये शुक्र का ही प्रभाव है। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि मेरे परिवार का फलाना आदमी है वो केयरलेस है, मुझे खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, जुखाम हो जाए, मैं बीमार हो जाऊं, परवाह नहीं करता। इसका मतलब सिंपल इतना है कि वो उसका शुक्र ठीक है। शुक्र जिसका अच्छा होगा वो एक अनजान आदमी के प्रति भी सिंपैथी रखेगा, जिसका शुक्र अच्छा होगा वो उसकी केयर करने में जुट जाएगा। इसलिए ऐसे लोग दिल से चाहते हैं कि हम लोगों की मदद करें पर लड़ाई झगड़े में नहीं। ये ध्यान रखना, लड़ाई झगड़े में मदद पहुंचाना, रिस्क वाली जगहों पर मदद पहुंचाने का काम मंगल का है, मंगल भी मददगार है, पर शुक्र की मदद अपनी भावनाओं से, उनको कुछ चीजें प्रोवाइड करके,
बताई जाती है। जिन देशों में भुखमरी है वहां पर फूड भी लग्जरी है, जिन देशों में खाने पीने को नहीं मिलता वहां पर खाना भी लग्जरी हो जाता है। इसलिए शुक्र को जब समझना हो तो इस चीज का ध्यान रखना, शुक्र वो नहीं जो आपको बताया जा रहा है, शुक्र वो है जिसे आप शुक्र समझते हो। लैला और मजनू की कहानी आपने सुनी होगी। वहां के राजा ने पूछा, बादशाह ने पूछा मजनू से कि तू इस लैला में ऐसा क्या देखता है यार, मुझे तो ये बहुत ही सामान्य सी स्त्री महसूस होती है, मेरे महल में इससे भी ज्यादा सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, तो चाहे तो इनमें से किसी को पसंद कर ले, पर ये तो एक सांवली सी लड़की है, इसमें क्या तुझे ऐसे लगता है। मजनू एक बात कहता है कि उसको दिखाई जाती है सभी लड़की, उसको कुछ पसंद नहीं आता, समझिए शुक्र को, उसको पसंद लैला आती है। बादशाह पूछता ऐसा क्या इसमें, वो कहता है इसमें अल्लाह का नूर है, अल्लाह का नूर, नूर मैंने रोशनी, आपकी दृष्टि, यानी कि आप किसे शुक्र ना, आप जिस लड़की को बहुत लाइक करते आपके लिए वो आपका शुक्र है। ये कह देना कि जिसका शुक्र अच्छा है उसकी पत्नी बहुत सुंदर होगी, गलती खा जाओगे, ऐसा नहीं है। अच्छे शुक्र का मतलब है आपकी पत्नी जैसी भी होगी आपको पसंद होगी, दैट्स अ वीनस। अब नूर शब्द आ गया, आंखें, आंखों की ताकत, आंखों के देखने की शक्ति वीनस है, इसलिए आंखों का रेटिना वो शुक्र है। कहते हैं ना गलत चश्मे से देखोगे तो दुनिया गलत दिखाई देगी, जिस रंग के चश्मे से आप दुनिया को देखते हो वैसी रंग की दुनिया दिखाई देती है। बस ये आंखों के अंदर का जो लेंस है, इस लेंस से आप दुनिया देखते हैं, उस लेंस का दृष्टिकोण क्या है, पॉजिटिव दृष्टिकोण है या नेगेटिव दृष्टिकोण है, ये शुक्र है। ज्योतिष में आपको लॉजिक को पकड़ना होगा, किसी ने कह दिया आंखों का संबंध शुक्र से है, आपने मान लिया, क्यों, क्योंकि हम दुनिया को जिस निगाह से देखते दुनिया वैसी ही हो जाती। अगर हम सभी को चोर और बेईमान की निगाह से देखेंगे तो वास्तव में दुनिया चोरी और बेईमानी से भरी हो जाएगी, अच्छे लोगों को देखोगे तो अच्छी हो जाएगी, ये हमारी दृष्टि पर निर्भर कर, हमारी जो दृष्टि है वो ही हमारी सृष्टि का निर्माण करती है, जो हमारी दृष्टि है वो ही हमारे विचारों का निर्माण करती है। थॉट्स, ये तो मून का खेल है ना, परंतु थॉट्स अच्छे आते हैं कि बुरे आते हैं, इसमें वीनस का रोल बहुत है। इसलिए कहा जिन लोगों का शुक्र अच्छा होता है वो पॉजिटिव थिंकर होते हैं, उनका विजन बड़ा पॉजिटिव होता है, इसलिए उनको यूनिवर्सल हेल्पर कहा है, क्योंकि किसी भेदभाव के बगैर वो किसी की मदद करने को तैयार होते हैं, वो चाहते हैं कि जीवन का समाधान मिले। समाधान गुरु बताता है और जो समाधान है वो शुक्र है, ध्यान रखिएगा। समाधान बताने का कार्य गुरु करता है और जो सॉल्यूशन है जीवन का वो ही शुक्र है। अगर मैं आपसे कहूं जब आप किसी समस्या का सॉल्यूशन प्राप्त करते हो तो आपको कैसा महसूस होता है, आप कहेंगे हम खुश हो जाते हैं, अरे वाह मिल गया सॉल्यूशन। खुश होते हैं दुखी होते हैं, खुश होते हैं ना, ये जो खुशी है वही शुक्र है, तो सॉल्यूशन शुक्र है। आप पैदल चलते हो गाड़ी मिल गई आप खुश हो गए, अरे वाह पैदल जाता था रोज आज गाड़ी मिल गई मुझे,
ये आपका वीनस आ गया। किसी भी चीज में संतुष्टि और खुशी की प्राप्ति ही वीनस है, ये आपके शुक्र का कुल है। अब इसी को हम जन्म पत्रिका में समझ लेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। शुक्र अक्सर सूर्य के आसपास ही रहता है, शुक्र सूर्य के आसपास ही रहता है, इसलिए चमकीला भी है। चमक है ना, सूर्य के बहुत निकट है। जब आप किसी चमकदार वस्तु के बिल्कुल सानिध्य में जाते हैं तो आप खुद भी चमक जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी के पास में खड़ा होगा तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर भी लोगों का ध्यान जाएगा। आप राष्ट्रपति के साथ बैठ करके चाय पी रहे हैं तो आप लोगों का ध्यान आपकी तरफ भी जाएगा, क्योंकि वो सूर्य है। और सूर्य का मतलब मेरा यहाँ नरेंद्र मोदी से बताने का है, मैं पद की बात कर रहा हूं। कोई भी प्रधानमंत्री होगा, जिस भी समय में होगा, वो बिल्कुल सूर्य के समान ही होगा। हर कोई मिलकर के उससे खुश होगा और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। इसी प्रकार से शुक्र है। शुक्र कहता है मैं ऐसे व्यक्ति के साथ रहूं जो चमकीला हो, जिसमें अथाह प्रकाश, जिसका प्रकाश कभी समाप्त ना हो। इसलिए हमेशा स्त्रियां बलवान पुरुषों को पसंद करें, तेजस्वी पुरुषों को पसंद करें, ओजस्वी पुरुषों को पसंद करें। लक्ष्मी जी जो कि शुक्र का प्रतीक है, हमेशा खड़ी दिखाई देती है, तस्वीरों में खड़ी दिखाई देती है, क्योंकि ये उस बात का प्रतीक है। कभी भी विदा हो सकती है, कभी भी जा सकती, कभी भी चल सकती है, उसको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। वो एक ही जगह पर बैठ, जब वो विष्णु जी के साथ, ये इस बात का प्रतीक है कि महिला हमेशा शक्तिशाली को ही पसंद है। विष्णु जी परम शक्तिशाली हैं, वो पूरे सिस्टम को मैनेज करते हैं, इसीलिए वो पालन करता है, संचालक है इस सृष्टि के। जो पुरुष परिवार को चलाने की में सक्षम होता है, स्त्री उसको पसंद करती है। और जो पुरुष जितने ज्यादा परिवारों को चलाने में सक्षम होता है, स्त्रियां उतनी ही ज्यादा स्त्रियां उसके को लाइक करने लग जाती। इसलिए तो कहते हैं अमीर आदमियों के पास स्त्रियों की कोई कमी नहीं। क्यों, ऐसा उसमें क्या है? फिर लोग कहते हैं अरे देखो बाल उड़े पड़े हैं इसकी, तो बाल सफेद हो गए हैं इसके, फिर भी देखना ये 27 साल की लड़की इससे शादी करना चाह रही है, क्या जुल्म हो गया है? धरती फट ना जाए, आकाश अलग ना हो जाए, ये क्या हो गया है? वो कुछ नहीं गया है, वो व्यक्ति नारायण हो गया। गरीब के पास तो लक्ष्मी वैसे ही नहीं थी, शक्तिशाली पुरुषों के पास। सूर्य शक्तिशाली पुरुष का प्रतीक है, विष्णु सूर्य का प्रतीक है, इसलिए वहां पे टिकी हुई है। और मां सरस्वती हमेशा बैठी दिखाई देती है, हर तस्वीर में बैठी दिखाई देती है, ये इस चीज का प्रतीक है। विद्या तो बैठने पर, अगर आप दौड़ने की तैयारी में भटक रहे हो आप, विद्या नहीं मिलेगी। शांति पूर्वक गुरु के सानिध्य में बैठ जाना, ये मां सरस्वती का आशीर्वाद है। सरस्वती जो कि गुरु का प्रतीक है, जिसमें समस्त ज्ञान और समस्त कलाएं समाई हुई है, मां लक्ष्मी जो शुक्र का प्रतीक है, हर व्यक्ति कामना करता है अपने जीवन में मेरे पर भरपूर मात्रा में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद। हमारे देश ने बहुत अगरबत्तियां
जलाई हैं, दिए जलाए हैं माँ लक्ष्मी जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए, अगर वो हमारे इस रहस्य को समझ जाएं कि माँ लक्ष्मी किसके पास आती है, तो वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं रह सकता। इसलिए जो शुक्र की कला को जानते हैं, जो लोग शुक्र की कला को जानते हैं, जो लोग शुक्र को समझते हैं, वो कभी गरीब नहीं रह सकते। जो गरीब है वो शुक्र को नहीं जानता, वो शुक्र की फिलॉसफी को नहीं जानता। अगर किसी को शुक्र के विषय में समझा दिया जाए, शुक्र का रहस्य समझा दिया गया, और अगर उसने उसके ऊपर एक्शन कर लिया, तो ध्यान रहे गरीबी खत्म होगी। गरीबी को खत्म होना ही होगा, गरीबी टिक नहीं सकती। तो यानी कि आप ये भी कह सकते हैं, जितने भी गरीब लोग हैं उन्हें शुक्र का ज्ञान नहीं। केवल लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर के पूजा आरती करने से कुछ भी नहीं होगा, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करने से कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी जी के रहस्य को समझ करके उसके बीज मंत्र, श्रीम बीज मंत्र के रहस्य को समझने से गरीबी नहीं रह सकती। और गरीबी के समाप्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन से गरीबी समाप्त हो जाए, तो उसको खुश होने की प्रक्रिया में शामिल होना होगा। उसको हर छोटी से छोटी चीज में खुश होना पड़ेगा। उसको अपने जीवन में संतुष्टि का एहसास लेकर के आना पड़ेगा और श्रीम बीज मंत्र का ज्ञान ग्रहण करना पड़ेगा। आपकी जन्म पत्रिका में बैठा हुआ शुक्र इस बात को दिखाता है कि आपको इस श्री विद्या का कितना मालूम है। कुछ लोग भगवान की कृपा से इस श्री विद्या को पिछले जन्म से ही समझ करके आ जाते हैं और आने के बाद फिर अमीर पे अमीर होते चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कोई जादू सा करते हैं। किसी 10,000-20,000 करोड़ के मालिकों के साथ आप बैठ के देखेंगे, आपको बहुत ज्यादा प्रसन्न मिलेंगे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव थिंकर मिलेंगे, और आप कुछ समय बिताएंगे तो आपको लगेगा कि आप तो वास्तव में बहुत छोटे हैं। वो कितने बड़े दिल और दिमाग से सोचता है, ये उसके शुक्र। इसलिए कभी भी किसी बहुत अमीर आदमी जिसके पास बेंटले गाड़ी है, मर्सिडीज है और ये सब चीजें हैं, ये मत समझ लेना कि इसका शुक्र अच्छा है या बुरा है। जो लक्षण मैंने बताए हैं, क्या वो लक्षण उस व्यक्ति में है, उस चीज पर देख। जितने भी प्रकार के भोजन है जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं और जिनमें एंटी एजिंग इंपैक्ट है, जो हमें बूढ़ा नहीं होने देते, वो भोजन, वो हर दवाई शुक्र है, वो वीनस है। अब चाहे वो ऐसा कोई रिलेशन आपके जीवन में है, चाहे कोई वस्तु आपके जीवन में है, चाहे वो कोई भोजन आपके जीवन में है, जितनी भी ये स्वीट्स हैं या जो जीवन का मीठापन है, ये ही आपके ब्रेन को शांत करता है। इरिटेशन होना, फ्रस्ट्रेशन होना, अग्रेशन होना शुक्र की कमजोरी की बात कहता है। जो फलों की मिठास है जिसे हम फ्रुक्टोज बोलते हैं, ये आपका शुक्र है। इसीलिए तो एक थ्योरी बड़ा काम कर गई कि जिनकी डायबिटीज है उनको फ्रूट्स ज्यादा खाने चाहिए,
और वो फ्रूट्स खा करके ठीक हो रहे हैं। लोग कह रहे ऐसा कैसे हो जाएगा, अरे भाई मीठा ही तो गायब हो गया था उनके जीवन से, मीठा उनके डाल दिया गया। किस चीज को मना किया गया? आर्टिफिशियल शुगर को मना कर दिया, साथ में ऐसी शुगर जो बेमतलब पैदा की गई है उस शुक्र को मना कर, जो भी बॉडी में जाने के बाद फ्रुक्टोज बना रही है वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है, ऐसा बताया जाता है। अब आपको डायबिटीज को खत्म करना है तो शुक्र को समझ लीजिए, यूरिनरी प्रॉब्लम को खत्म करना है तो शुक्र को समझ लीजिए। और ऐसे लोग जब भी देखेंगे तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा मिलेगा कि इनके रिलेशनशिप में गड़बड़ है। यही कारण है कि कभी कभी लड़का और लड़की दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं पर दोनों की आपस में नहीं बनते, क्योंकि वो एक दूसरे को अपना शुक्र नहीं मानते। दोनों बहुत अच्छे हैं पर वो एक दूसरे को नहीं मान रहे, और तीसरा कह रहा है यार लड़का भी बहुत सुंदर है लड़की भी बहुत सुंदर है, प्रॉब्लम कहाँ है? इसलिए जो बाहरी आवरण है, ये जो बाहरी दिखावा है, शुक्र उससे बहुत आगे है। यहां तक कि कुंडलिनी चक्र में माना गया है जो हमारा सहस्त्राचार है, जो सात चक्र हैं, सात चक्र में जो लास्ट चक्र सहस्त्रासार है उसमें अमृत का निर्माण होता है, और जब वो खुलता है तो बूंद बूंद करके अमृत तत्व टपकता है, और उस अमृत कुंड का संचालन शुक्राचार्य करते हैं, अर्थात समाधि की स्टेज में जाना ये शुक्र का कार्य है। दुखी व्यक्ति कभी भी समाधि को प्राप्त नहीं होता, दुखी व्यक्ति कभी सन्यास को प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमारे साधु सन्यासी ये सब भटक जाते हैं, जो बिना शुक्र को समझे सन्यास में घुस जाते हैं। इनका पथ भ्रष्ट होने का सबसे ज्यादा चांस हो जाते हैं। शुक्र आपके लिए डिवाइन लव हो सकता है, जब आप अपने देवी देवताओं से मोहब्बत करते हैं, जब आप अपने इष्ट से जो मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत अगर आपको अमृत तत्व का एहसास करवाती है, अगर आपको खुशी का एहसास करवाती है तो वो शुक्र है। अगर आप देवी देवताओं के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते लंबे पसर जाते हैं, जोर जोर के हल्ला मचाते हैं, शोर मचाते हैं, एहसास कुछ नहीं होता, तो शुक्र तो पैदा हुआ ही नहीं। शुक्र पैदा नहीं हुआ तो भक्ति कैसे आ जाएगी जीवन में, और भक्ति जब तक जीवन में नहीं आएगी तो शक्ति कैसे आ जाएगी जीवन में, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए जितना प्योर शुक्र आपके जीवन में होगा उतना ही बड़ा आपको अध्यात्म के अंदर लेकर के जाएगा, उतना ही ज्यादा आपसे दान पुण्य के कार्य करवाएगा। यही कारण है जिनके शुक्र अच्छे हैं वो बहुत बड़ा बड़ा दान पुण्य कर देते हैं, और जिनके शुक्र कमजोर हैं वो कंजूस होते हैं, अथाह कंजूस होते हैं, उनके हाथ से चीजें नहीं छूटती। जो कहते चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, समझ लेना शुक्र कमजोर है। और आप निश्चित रूप से पाएंगे उनकी कुंडलियों में शुक्र ही कमजोर ही मिलेगा, सारा दिन नोट नोट गिनते रहेंगे, उनकी शक्लें भी नोटों की गड़ियों की तरह हो जाती है जिसमें कोई रस नहीं, देख के प्रशंसा प्रसन्न तो बहुत होता है परंतु आकर्षण नहीं। तो ये शुक्र है। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर अगर हम एक एक भाव में जाकर के पता करें कि शुक्र कैसे होगा तो मेरे ख्याल से अब आप बता दोगे आराम से। अब आपकी बारी, मैंने तो बता दिया। शुक्र अगर पहले भाव में होगा तो क्या होगा, लाल किताब के अनुसार बताएं।
ये व्यक्ति प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति होगा। क्यों? लॉजिक बताइए कविता जी, अब लॉजिक की बातें हो रही है। क्योंकि सर दिमाग पे बैठा है शुक्र। ठीक है, शुक्र इज सेटिस्फेक्शन, शुक्र इज खुशी। ठीक है, तो दिमाग से मतलब हमेशा प्रसन्न चित रहेगा, मंगल का है। ठीक है, आप पर हाँ अरविंद जी कुछ कह रहे हैं आप? मंगल के घर में शुक्र है जी, मंगल के घर में शुक्र है, लगन में है तो... आपको ये बोलना है पहले भाव में, पहले भाव में हाँ। मंगल पहला भाव जो है मंगल की जमीन है और उसका मालिक सूर्य है, अर्थात दो ग्रह है। तो शुक्र को ये दोनों ग्रह समझते क्या हैं, उस बात पे डिसाइड होगा कि पहले भाव में शुक्र क्या कर रहा है, ये अच्छा है या बुरा है, तभी डिसाइड होगा। हाँ गायत्री जी बताइए। सर शुक्र तो हमेशा मंगल को पसंद ही करता है, आप देखिए सुंदर स्त्री होती है तो उसको हमेशा बाहुबली ही पसंद आता है, लेकिन ये जो मंगल होता है इसको हर समय शुक्र पसंद है ये जरूरी नहीं है। नहीं पर जरूरी है ही नहीं, मंगल को जब भी दिमाग में आए आपको कभी भूल जाओ तो ब्रह्मचारी या हनुमान जी, बस ये दिमाग में आ जाना चाहिए आपके, तुरंत मंगल का रोल समझ में आ जाए। तो जिसका शुक्र अच्छा होगा वो साफ सुथरा रहने वाला, प्रसन्न चित रहने वाला, मीठा बोलने वाला। वो तो मैंने बता दिया फर्स्ट हाउस में क्या है। फर्स्ट हाउस में सर जरूरी नहीं है शुक्र वहां पे डिस्टर्ब हो, शुक्र वहां पे खुशी से भी रह सकता है। अच्छा, सूर्य के साथ इसकी क्या दोस्ती है दुश्मनी है? सूर्य के साथ तो सर दुश्मनी ही है इसकी। लीना जी मंगल के परिपेक्ष में कहा, तो मैंने मंगल के उसमें जवाब दिया है कि मंगल नहीं, आप प्रयास करते रहिए। देखिए मैं अक्सर कहता हूँ गलती करना आपका धर्म बनता है, करो गलती है? मेरे सामने गलती कर लो तो उसको। सो फर्स्ट हाउस जो है मंगल की जमीन है और सूर्य का घर है, तो मंगल और सूर्य दोनों ही शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, नहीं देगा। अभी मैं फिर आऊंगा, इसके मनसुई ग्रह भी कर ले, मसनुई ग्रह को भी कर लेते हैं। राहु और केतु दोनों मिलकर के शुक्र को बनाते हैं। अब मुझे आप में से जवाब दीजिए, ऐसा क्यों? लाल किताब ने क्यों चुना कि राहु और केतु दोनों मिलकर के शुक्र का निर्माण करते हैं, इसका तात्पर्य क्या हुआ? सर शायद केतु अध्यात्म से रिलेटेड होता है इसलिए, और राहु इच्छाओं को जागृत करता है, उनको हवा देने का काम करता है। अच्छा बहुत बढ़िया, काफी हद तक सही बताने का प्रयास किया है, और कोई बताएंगे? प्लीज रिपीट करें क्या पीछे हुआ था, सॉरी ये लास्ट सेंटेंस। गुरुजी दोनों राहु और केतु दोनों शुक्र के हाँ जी शिवांगी जी। गुरुजी ये दोनों राहु और केतु जो है वो शुक्र के चेले माने जाते हैं? राहु केतु शुक्र के चेले माने जाते हैं, नहीं ये तो शनि के चेले। शनि के चेले गुरुजी, राहु केतु हमेशा जैसे केतु है उसको अचानक से कुछ करना होता है और शुक्र बड़े बड़े ख्वाब, जो राहु है वो बड़े बड़े ख्वाब देखेगा, तो उसके मन में जो ख्वाब आ जाए उसको पूरा कर दे बिना सोचे समझे, तो वो एक तरह से शुक्र जैसे आप जो कि ऐसी घटनाएं होती हैं जो नैतिकता से परे होती हैं उनको भी हम इसी शुक्र का कई बार बोल देते हैं, जबकि खराब उनको राहु करते हैं। देखिए सर हम बताए जो है परम माया है, राहु परम माया है और केतु परम अध्यात्म है। जब परम माया और परम अध्यात्म दो ताकत आपस में मिलती है तो शुक्र का निर्माण होता है, क्योंकि उससे जो परम माया है उसका नाश होता है और परम अध्यात्म का भी नाश होता है, और दोनों चीज जब आपस में मिक्स होती है तो उसके एसेंस से जो निकलता है
वो निकलता है सेटिस्फेक्शन। दूसरा एक और तरीका हो सकता है, जन्म पत्रिका में जिसका राहु अच्छा होगा, जिसका राहु अच्छा होगा हम क्या कहते हैं कि वो प्लानिंग बहुत अच्छी करता है, वो कूटनीति का जानकार बहुत अच्छा होता है, स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बना सकता है। जिसका राहु अच्छा है वो लोगों को से काम कैसे करवाना है, उनको टैकल कैसे करना है, बहुत अच्छे तरीके से जानता है। जिस व्यक्ति का राहु जितना अच्छा होगा वो गरीब नहीं रह सकता। और अभी अभी क्या बताया, जो शुक्र को जान लेगा वो गरीब नहीं रहेगा। अब हम सेम बात कह रहे हैं कि अगर जो राहु को जान लेगा वो भी गरीब नहीं रहेगा। राहु के पास कोई बाउंड्री नहीं है, राहु किसी बाउंड्री को नहीं मानता, शुक्र भी तो किसी बाउंड्री को नहीं मानता। केतु, केतु जिसका अच्छा है उसकी सोच अच्छी है, उसके थॉट्स अच्छे हैं, वो भी हरेक के प्रति कल्याण की दृष्टि रखता है, वो जीवन में हमेशा केतु का ध्यान रखता है। हमारे देश में केतु के सामने नतमस्तक होने की परंपरा है। एक केतु तो हमारे घर में गणपति जी के रूप में होते हैं, एक केतु हमारे घर से बाहर होते हैं जिन्हें हम साधु संत कहते हैं, और हमारे यहाँ पर परंपरा है दोनों के सामने ही मस्तक झुका देना है। जब हम साधु संत के सामने होते हैं तो हम उनसे जाति नहीं पूछते, हम ये नहीं पूछते तुम कौन जात हो, कहाँ से आए हो, हरियाणा के हो के पंजाब के हो, हरियाणा के होंगे तो नमस्कार करेंगे और राजस्थान के हो तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा हम नहीं कहते। केतु है ना, जाति पाति सब नहीं, साधु संत और सन्यासी सबके होते हैं, सबके सांझे होते हैं, और वो साधु संत वो नहीं जो सामने वाले को देख करके आशीर्वाद, कि मेरा अपना है तो आशीर्वाद दे दो, मेरा अपना नहीं है तो आशीर्वाद ना दो। जिसका आशीर्वाद सभी के लिए बरसता है बस वही केतु है। तो शुक्र इन दोनों का मेल है कुंडली में। जिस भी व्यक्ति के राहु अच्छा है या केतु अच्छा है, और जिस जब भी राहु अच्छा होगा तो केतु अच्छा ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो शुक्र उसका अच्छा होगा ही होगा। अब यहां पर ये रहस्य खोल रहा है ये सूत्र बड़ा। कुछ कुंडलियों में कभी कभी लगेगा कि शुक्र अच्छा नहीं है, कभी कभी तो आपको उनका जीवन देख करके लगेगा कि यार शुक्र अच्छा नहीं है। मैंने शुरुआत में कहा था यार इसकी तो पत्नी तो बहुत ही सामान्य सी नजर आती है, वो तो बहुत सुंदर है ही नहीं, वो बात अलग है कि घर के अंदर है ना सामान बहुत है इसके, अमीर आदमी है, ये पता चल रहा है। फिर भी आप डाउट में हैं कि यार कोई रोमांटिक आदमी नहीं है तो बिल्कुल भी, ये तो नीरस टाइप का आदमी है, पर कुंडली तो शुक्र अच्छा दिखा रही है इसकी, अब क्या करें, ये तो फंस गए। शुक्र देखने में बहुत अच्छा है पर मेरे सामने शुक्र बैठा है, इसका तो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये कुंडली में शुक्र कहां से आ रहा है। तो हमें समझना होगा राहु केतु जिसके अच्छे उसके शुक्र ऑटोमेटिक अच्छा। ये बनावटी ग्रहों की बात चल रही है। अगर शुक्र में थोड़ा दोष भी है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, शुक्र में थोड़ा दोष भी है कुंडली में, थोड़ा पाप प्रभाव में है या कुछ परेशान अवस्था में है, पर राहु केतु अच्छे हैं उस दोष को दूर कर दे, वो दोष दूर हो जाएगा अगर राहु केतु कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं। क्लियर हुआ बात शुक्र के बारे में? सो सिंपल। सूर्य के कारण पिता से संबंध कैसे रहेंगे? सूर्य से, यानी कि प्रथम घर सूर्य का भी तो है ना, मंगल की के साथ साथ। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, इन्होंने कहा कि पिता के साथ संबंध कैसे रहेंगे। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि शुक्र सूर्य के पास आया है और मंगल भी वहां पर विराजमान है। सूर्य के और शुक्र के जब हम संबंधों को देखते हैं तो यहां पर शुक्र जितना अच्छा होगा उतना ही ज्यादा अच्छा
पिता पुत्र के संबंध होंगे। पर मैं एक लाइन में बता दूं, पिता पुत्र के संबंध खराब नहीं होते हैं, पर थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, पिता पुत्र के संबंध खराब नहीं होते हैं, रेस्पेक्टेबल होते हैं, परंतु थॉट प्रोसेस अलग होता है। थॉट प्रोसेस क्यों अलग होता है? सूर्य के घर में आया है, सूर्य कहता है आई एम द किंग, हु आर यू, आ गए हो, मोस्ट वेलकम, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे काम करो, इससे ज्यादा फालतू बात नहीं है। सूर्य कहता है मैं तुम्हें हर चीज दूंगा, बस मेरे मामले में इंटरफेयर मत करो, क्योंकि वो राजा है, राजा के घर में कोई आएगा तो राजा उसका वेलकम कर रहा है तो बहुत अच्छे से करेगा, को कमी किसी चीज की छोड़ेगा नहीं। ऐसे ही जिन लोगों का शुक्र पहले भाव में होता है उनको कमी किसी चीज की नहीं होती है, और पिता की सोच के साथ जरूरी नहीं कि विचार मैच कर जाए, पिता अलग एंगल से सोचेगा और बेटा अलग एंगल से सोचेगा। पिता का एंगल ये होगा जैसे मैं कह रहा हूं वैसे मेरी बात मानेगा तो ठीक है मुझ लीजा, और नहीं तो भाई तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, पर रेस्पेक्ट बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सूर्य शनि वाला संबंध नहीं है, सूर्य शनि वाला वो चक्कर नहीं है कि पिता पुत्र आपस में खड़ गए तो खड़ गए, बेटा बाप की शक्ल नहीं देखना चाहता या बाप बेटे की शक्ल नहीं देखना चाहता, ये ऐसे संबंध नहीं है। बहुत हल्के खट्टे मीठे संबंध है जिसमें दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं। देखो कमाल की बात, जब भी शुक्र लग्न में होगा बाप भी बेटे को बहुत लाइक करता है, बेटा भी बाप को बहुत लाइक करता है, दोनों की तबीयत में किसी की हो जाए और दोनों भागे फिरते हैं, मतलब ऐसे संबंध होते हैं। मैं इसलिए आपको क्लियर कर दूं बात में। अब आपको एक चीज को समझना होगा, मंगल और शुक्र यहाँ पर गड़बड़ क्यों माना, लाल किताब ने गड़बड़ क्यों माना, ये इस पे ध्यान देना पड़ेगा। जिस भी का भी व्यक्ति का लगन पर शुक्र होगा वो बहुत सारे लोगों का ईर्ष्या पात्र बन जाएगा, उसके गुप्त शत्रु बहुत डेवलप हो जाते हैं। हर कोई कहता है ये मेरे पाले में रहना चाहिए, मेरे दल में रहना चाहिए, मेरी पार्टी में रहना चाहिए, और ये हर आदमी को खुश कर नहीं पाएगा, हर आदमी को तो सेटिस्फाई कर नहीं पाएगा, किसी को तो मना करना ही पड़ेगा, भाई जा मैं तेरे साथ नहीं बैठता, या मैं तेरे साथ बात नहीं करता, या मैं तू अलग मैं अलग, ना तो हो। जीवन में बहुत सारे लोगों को हमें करना ही पड़ता है, ऐसा आदमी जिसको भी मुंह पे ना कर देता है वो इसके खिलाफ हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को कहो जिसका लगन पे शुक्र बैठा है मुंह पे ना ना करे, चाहे कोई कुछ, चाहे वो देना है चाहे नहीं देना है, कोई कह रहा है चाय पिला दे, कहते अच्छा भाई पिलाता हूँ, और अगर उसने मुंह की मुंह पे कहते जा नहीं पिलाऊंगा चाय, भाग जाए, वो उसका दुश्मन उसी दिन से तैयार है। इसीलिए लाल किताब कहती है कि लगन पर जब शुक्र आ गया है तो उसके बिना मतलब के दुश्मन खड़े हो जाते हैं, छिपे हुए दुश्मन खड़े हो जाते हैं, जो उससे ईर्ष्या करते हैं, कभी कभी उसकी तरक्की उन्नति से भी ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोग भी बहुत हो जाते हैं। तो इसको ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, इस मामले में शुक्र बहुत आनंद देने वाली बात को नहीं माना। लगन का शुक्र कभी कभी मैरिज लाइफ में भी दिक्कतें पैदा करता है, ऐसा भी देखा गया है। यहां पर सूर्य और शुक्र की युति से मान के क्या है, सूर्य और शुक्र की युति अच्छी नहीं मानी जाती है मैरिज लाइफ के, इसलिए कभी कभी ऐसे सिम्टम भी आते हैं। फिर भी लगन पर शुक्र बैठा हुआ है तो ये डिसाइड करो कि राहु केतु कैसे। अगर राहु केतु बहुत अच्छे बैठे हुए हैं तो लगन का शुक्र वरदान की तरह है, अर्थात अब उसको चाहने वाले लोग बहुत बढ़ गए हैं, और हर कोई अभी भी यही कह रहा है कि आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, हर कोई कह रहा है आजा मेरे पास, और इतने लोगों के पास तो आदमी जा नहीं सकता, पर वो अट्रैक्शन का केंद्र रहेगा, लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगा। इसलिए एक प्रकार का लगन का शुक्र वरदान माना जाएगा, बट ये डिसाइड राहु केतु करेंगे, ये सूत्र हमेशा याद रखना। और अगर राहु केतु खराब हो गए, लगन पर शुक्र बैठा हुआ है तो दुश्मनों की फौज खड़ी कर लेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा तू कहां क्या कर गया है, क्योंकि वो झगड़ा तो किया ही नहीं ना उसने,
आमने सामने की लड़ाई तो उसने की नहीं, गाली गलौज तो की नहीं, तो उसको तो लगेगा सब ठीक है, सब बढ़िया है। पर अंदर से ईर्ष्या करने वाले लोग बहुत ज्यादा निर्दय हो गए हैं। दूसरा, अगर राहु केतु अच्छा ना हो, पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा। पति पत्नी दोनों में से एक बीमार रहेंगे और लंबे समय तक चलने वाले रोगों के शिकार हो जाएंगे। इस चीज को आपने ध्यान में रखना। ये पहले भाव का एक नेगेटिव गुण आप उसमें कह सकते, ठीक है। इसका अर्थ हुआ गुरुदेव के मसनुई ग्रह मुख्य ग्रह को प्रभावित करते हैं। हाँ, ये तो ये इसका लाल किताब का कंसेप्ट है और बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है जो कि काफी हद तक बहुत सटीक है। ये उसके दोष को दूर भी कर देते हैं। हाँ, दोष भी कर देते हैं। और अगर जो है और या उसको मतलब सही सही बैठे खराब भी कर देते हैं, इला भी देते हैं हिसाब किताब। हाँ, इसमें अरविंद जी देखो, लाल किताब बस आसान बहुत है, बस ये जिनको ये मसनूई ग्रह की प्रैक्टिस हो गई ना, वो लगाना आ गया, टेक्निकल बढ़िया, ये टेक्निकल बढ़िया। मैं ये 12 भाव कराऊं और ये सारे राहु केतु पे डिपेंड है। अब शुक्र किसी भी भाव में चला जाएगा, दो चार छोड़ करके सब में राहु केतु पे डिपेंड करेगा, तो इतना आसान भी कितना है। अगर ये थोड़ा रहस्य समझ गया तो उसे याद करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ रत्ना जी। सर, अगर राहु केतु केतु के जैसे बैड प्लेसमेंट है 3, 6, 8, अगर एक अच्छा प्लेसमेंट में हो और दूसरा बुरे में हो, ऑटोमेटिकली वैसे तो अपोजिट ही होंगे, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? हाँ, ऑटोमेटिकली बुरे तो बुरे ही रहेंगे दोनों ही घरों में। करेक्ट, आ गया, खुद ही समझ गए जी। ठीक है, बहुत छोटा छोटा बारीक अंतर होता है कई बार चीजों को समझने में, और वहीं पर हम थोड़ी थोड़ी गलतियां खा जाते हैं। आज का ये वीडियो आप दोबारा सभी से कहूंगा फिर से सुनना, कुछ चीजें मैंने बिल्कुल अलग हट करके बताई हैं, जो ना किताबों में आपको डायरेक्ट ऐसे लिखी मिलेंगी ना आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, परंतु सटीकता और आपके अंदर एक रिफाइननेस महसूस करोगे प्रेडिक्शन करते समय, वो चीज आपको अलग जरूर मिलेगी। सर डिफरेंट था, आपने शुक्र बहुत बार पढ़ाया, आज का और अलग था बिल्कुल। अभी तो कहता हूँ हर बार पढ़ो मुझसे। सर हम तो जुड़े ही हुए हैं, जब से जुड़े हैं तो जुड़े ही हुए हैं। हाँ ज्योति जी, क्लियर। हाँ जी। सर मुझे दो चीजें पूछनी है। एक तो सर, जैसे आपने फर्स्ट हाउस में बताया पिता पुत्र का संबंध और इसके कॉम्पिटिटर्स ज्यादा हो जाते हैं, तो क्या एक ये कारण हम समझ सकते हैं कि फर्स्ट हाउस सूर्य का है, वहां पे हक, तो सूर्य ब्रॉड थिंकर रखता है, वो सबके लिए ज्यादा सोचता है खुद से ज्यादा। सिंपल सी बात है ज्योति जी, होता है। आप कहाँ पर रहते हैं ज्योति जी, कौन से स्टेट में रहते हैं? तो दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली में। आप केजरीवाल जी के साथ बैठ के चाय पीना शुरू कर दो, आपके मोहल्ले वाले पता चल जाएंगे जलने लग जाएंगे। जी सर, जलने लगेंगे कि नहीं जलने लगेंगे, जबकि आपने तो मोहल्ले वालों को कुछ कहा ही नहीं। जी सर, है ना। और आपके मुंह पे जरूर आके केजरीवाल की बुराई करेंगे बार बार आके। जी सर, आप कितना ही कहें मुझे केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं। जी सर, वो में सूर्य कौन है? सूर्य इज अ किंग। जो भी व्यक्ति राजा के साथ बैठेगा ऑटोमेटिक ईर्ष्या का पात्र बन जाएगा। अगर सपोज करो मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठूं और नरेंद्र मोदी जी मुझे कहें आप बीजेपी ज्वाइन करो और आप तो मेरे गुरुजी हो, तो पता चला गुड़गांव में 4-5 हजार लोग मेरे दुश्मन बन गए, मेरी फेसबुक पे आके उल्टा सीधा लिखना शुरू कर देंगे। मैं कहूंगा भाई साहब मैंने तो आप लोगों को जानता ही नहीं, तो कुछ कहा भी नहीं तुम्हें, है वो फिर कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर देंगे। वो क्या चीज है? वो ईर्ष्या है कि जिस चीज को हम अचीव नहीं कर पाए ये क्यों कर पाए। शुक्र अचानक से जब फर्स्ट हाउस में है तो वो तो सीधा सीधा राजा के घर में पहुंच गया। जी सर, अब सर पर हम ये भी मंगल बैठा हुआ है। जी सर, जी सर, शुक्र फर्स्ट में क्या वो अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी देने वाला होगा? एक तो ये भी हम देख सकते हैं कि ये तो है। हाँ, अब जबकि शुक्र का ऑपोजिट नेचर हो जाता है कि अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी ना देके वो लोगों के साथ फ्रेंडली होता है और सैटिस्फाइड रहता है। जी जी,
देखिए लगन का शुक्र अपने आप को प्रायोरिटी क्यों देता है? जो भी बड़े आदमी के साथ उठना बैठना कर लेगा वो छोटे आदमी के साथ बात करना पसंद नहीं करता, अचानक से उसके व्यवहार में परिवर्तन तो सर एटीट्यूड आ जाएगा एक। जी जी बिल्कुल, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ सर एक चीज और पूछनी है, जैसे हमने शुक्र के बारे में आज आपने समझाया कि ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होना, पर सर जैसे कि थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है अगर आप माइंड ना करें, जैसे समलैंगिक होते हैं और आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि लड़का लड़का से शादी करता है, लड़की लड़की से शादी करता है, तो सर इसमें उनका शुक्र किस तरीके से हम पिटा हुआ देखेंगे कि वो एकदम ही दूसरे ग्रहों से प्रभावित हो रखा है? कल क्लास थी, मैंने यही बात कही थी और पहला सूत्र यही दिया था, आप उस क्लास में नहीं थी। मैंने कहा ये प्रॉब्लम शुक्र के कमजोर होने की प्रॉब्लम है। अब मैं डिटेल में थोड़ा सा बता दूं, कल भी मैंने वैसे तो क्लास में एक्सप्लेन किया था। सर कल कौन सी क्लास थी मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी थी, वो आपकी नहीं थी इसलिए मैंने कहा आप। अच्छा जी सर। देखिए ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कैसे डेवलप होती है उस चीज को हमें समझना होगा। पहली बात तो 100 में से 70 लोगों के अंदर मानसिक रूप से जब हम बचपन से बड़े होते हैं ये सब में होता है, 100 में से 70 लोगों में होता है। पर डेवलप किन में होती है? जिसको एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है। अगर हम कुंडली में अगर हम जाएं तो शुक्र जिसका कमजोर होगा उन लोगों में ये टेंडेंसी ज्यादा होगी। गरीब के लिए सबसे बड़ी लग्जरी सेक्स है, गरीब के लिए सबसे बड़ी लग्जरी सेक्स, उसके जीवन का आरंभ और अंत भी सेक्स है, ये समझ लीजिए बात, क्योंकि उसके जीवन में क्रिएटिविटी नहीं है। बहुत सारे लोगों को बचपन में ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है कि उनको रियल लव नहीं। उन लोगों की जिंदगियों में जाकर के देखिए जो इन संबंधों में होते हैं या इन संबंधों को एक्सेप्ट करते हैं, उनका पहला सबसे बड़ा आपको जीवन में झांकने से एक चीज मिलेगी, उनको माँ बाप का प्यार नहीं मिला। माँ बाप मिले पर माँ बाप का प्यार नहीं मिला। ओके सर। माँ बाप का वक्त नहीं मिला, यानी कि इतने लोग तो लेस्बियन या ये गे नहीं होते, उनको उनके माँ बाप का प्यार ही लेस्बियन या गे नहीं बनते। इसीलिए बच्चों के साथ इमोशनल रिलेशनशिप का डेवलप होना, उनमें रेस्पेक्ट की भावनाएं होना अपने माँ बाप के प्रति, अपनी वैल्यूज के प्रति जिनमें एक कॉन्फिडेंस आना कि हम एक बहुत ही हायर ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, इस चीज की भावनाएं आना इस बीमारी से आपको जुदा कर देती है। बहुत सारे लोग इस चीज को मेरे पास आते हैं और वो बताते हैं कि एक समय था जी मैं 18 साल का था, मैं 19 साल का था और हमारा कुछ इस तरह का हुआ भी था, बट उसके बाद कुछ नहीं हुआ, मेरी शादी हो गई और हम बहुत ही अच्छी मैरिज लाइफ को जी रहे हैं। यानी वो बच गया, उसको एक दो बार एनकाउंटर हुआ ऐसी चीजों से, बट वो निकल गया उस चीज से, उसको वो एटमोसफेयर कंटिन्यूटी में नहीं मिला, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की। फिर जब किसी चीज के अंदर घुसते चले जाओ वो डेवलपमेंट होती चली जाती है। पहली बात कि कुंडली से देख करके बता देना कि आदमी गे है या ये लड़की लेस्बियन है, ये बहुत ही बेवकूफी वाली बात हो सकती है, गलती होने के चांस बहुत हो सकते हैं। मैं ये कह दूं जिनका शुक्र खराब है वो होते हैं, तो ये भी बहुत गलत बात है, शुक्र बहुत खराब होते हैं। अब कंजूस आदमी का तो शुक्र खराब मिलेगा, बीज निकालना खराब खराब ऊपर निकाल देना, तो कोई भी एग्जैक्टली सूत्र काम नहीं करता, परफेक्टली सूत्र इस पे काम नहीं करता। हाँ अगर कोई हम उसको बहुत ही कोई कह दे कि ये है, पर हम उसके इर्द गिर्द पहुंच जाते हैं। पहली चीज शुक्र खराब होना चाहिए, दूसरी चीज अष्टम भाव में गड़बड़ी होनी चाहिए। अष्टम भाव हर गुप्त चीज का है, इस संसार में जितनी भी गुप्त चीजें हैं उनको अष्टम भाव से ही देखा जाता है डेफिनेटली। बहुत सारे और ये जो इन संबंधों की शुरुआत गुप्त रूप से होती है, बाद में ये डिक्लेयर करते हैं, बाद में ये सबको बताते हैं, पर शुरुआत में बहुत लंबे समय तक इनकी प्रैक्टिस गुप्त रूप से रहती है।
अष्टम भाव का पीड़ित होना इसमें बहुत जरूरी है। फिर जा करके इसमें राहु का रोल बहुत है। लगन के ऊपर राहु, लग्नेश के साथ राहु, या राहु केतु के एक्सेस में लगन लग्नेश होना, पंचम या पंचमेश राहु केतु के एक्सेस में होना, ये चीज खराब कर देती है, उसकी आदतों को बिगाड़ देती है और वो अननेचुरल सेक्स की तरफ ज्यादा घुस जाता है। और साथ में ये ध्यान रखना है, जो ओपनली अपने आप को डिक्लेयर करते हैं में मंगल का रोल होता है। जब तक मंगल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा या लोगों को बताएगा नहीं, मंगल आने पर कन्फर्म ठप्पा लग जाता है कि अब ये ओपनली अपने आप को कह सकता है कि यस हम ऐसे हैं और हम ऐसे संबंधों को रखते हैं और हम इसकी परवाह नहीं करते। तो राहु, मंगल, शुक्र, ये सब इसके लिए जिम्मेवार हैं, इनकी कमजोरियां जिम्मेवार है, अष्टम भाव इसमें काफी हद तक रोल अदा करता है। और इसकी शुरुआत पंचम से होती है। जब प्रेम नहीं मिलता जिंदगी में तो ऐसी समस्या, या तो देखिए ध्यान रखिएगा, या तो जिंदगी में आपको परमात्मा का प्यार मिले या आपको इंसान का प्यार मिले, दो में से एक प्यार मिलना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा गहरा मिलेगा उतना ही ज्यादा चांस है कि आपके अच्छे चांस हैं कि आप इन चक्रों में नहीं पड़ सकते। इसीलिए पहले बड़े परिवारों में ये समस्या कम की, जब से ये छोटे परिवारों में कन्वर्ट होने लगी है दुनिया, ये आप देख रहे हैं इंडिया में आज के समय में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है चीजें। पर पहले क्यों नहीं होता था इंडिया में? पहले हम अमेरिका में सुनते थे, बाहर और देशों में सुनते थे, पर इंडिया में नहीं सुनते थे। तो सिंगल फैमिलीज इसका बहुत बड़ा वो है कारण, क्योंकि वहीं पर माँ बाप को प्यार, माँ बाप को टाइम नहीं मिलता, दोनों पति पत्नी कमाने जा रहे हैं, बच्चा घर पे अकेला है, क्या करेगा टाइम पास करने के लिए? अब वो किसी अड़ोस पड़ोस के बच्चे को बुला लेगा, वहीं से इमोशनल, अब वो भी ऐसा ही है बेचारा, उसके भी माँ बाप नहीं है घर पर, वो भी नहीं है, उससे कोई बात ही नहीं कर रहा, उसकी भावनाओं को कोई नहीं सुन रहा। आप देखिए छोटे बच्चे को वो कितना आपको अपने बारे में बताना चाहता है, छोटी से छोटी बात वो बताना चाहता है, मम्मी मैं बाहर गया, बाहर उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे वो बोला, वो ईच एंड एवरीथिंग आपको बताना चाहता है और बताता है, और आप हंस हंस के अगर पूछते हो अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? बच्चे बहुत सच्चे होते, वो सब कुछ बोल रहे हैं, उसकी भावनाओं को, उसकी इमोशंस को एक स्पेस मिल रहा है। वो ऐसे बच्चे कभी भी इस चीज में नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखिए। जिन बच्चों को अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए स्पेस नहीं मिलता, तो फिर वो किसी ऐसी चीज में जाना चाहते हैं कि जो तीन दुनिया से बिल्कुल अलग हट करके हो, जिसके बारे में उन्हें पता सही सही नहीं है, पर उनको लगता है ये कुछ नया है और वो उस चक्कर में फंस जाते हैं। तो ये भी नहीं है कि ये मानसिक प्रॉब्लम है, कई लोग कह देते हैं इट्स ए मेंटल प्रॉब्लम, इट्स ए स्ट्रेस, ये कुछ नहीं है, मेंटल स्ट्रेस डिप्रेशन ये सब नहीं है। कमजोर तो इसमें गिना जाता है जी, चंद्रमा का कमजोर होना इसके इसमें भी गिना जाता है? नहीं अरविंद जी, ये बात नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का कमजोर होना साइंटिस्ट बनाता है, डॉक्टर बनाता है। चंद्रमा की कमजोरी का मतलब हम वन साइडेड फोकस हो गए बहुत ज्यादा मन। देखिए चंद्रमा, देखिए इसीलिए ज्योतिष में ना चंद्रमा के उच्च को कोई खास अच्छा नहीं माना जाता। उच्च का चंद्रमा, सब ग्रहों के उच्च के होने को बहुत अच्छा माना जाता है, पर उच्च का चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उच्च का चंद्रमा का मन की चंचलता अधिक हो गई। अब जिसका मन बहुत ज्यादा चंचल होगा वो सक्सेसफुल होना उसके लिए मुश्किल हो जाता है कई बार। जिनका चंद्रमा नीच का हो गया, अब अपोजिट हो गया बिल्कुल, अब उसके मन की चंचलता तो बिल्कुल कम हो गई। वो जिस टारगेट पे लग गया, जिसमें फोकस करके लग गया, उसमें लगा रहेगा, जुटा रहेगा, जुटा रहेगा। इसीलिए ये लोग आप अक्सर सक्सेसफुल लोगों के देखेंगे तो चंद्रमा मैक्सिमम के पीड़ित मिलेंगे आप, भाव के साथ मिलेगा, नीच का मिलेगा, आठवें बैठा मिल जाएगा और उल्टे से बैठा मिल जाएगा, आप बड़ा हैरान होंगे और आपको लगेगा डिप्रेशन के पेशेंट है। डिप्रेशन के पेशेंट नहीं है ये, बड़े फोकस्ड लोग हैं। पर हमें और ग्रहों को भी रेफरेंस में मान के चलना है। अगर नीच का चंद्रमा बैठा है, कमजोर चंद्रमा बैठा है, पर उसका गुरु बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब पढ़ाई में बहुत ज्यादा डेडिकेशन लग गया उसका, और वो बड़ी बड़ी किताब लिख देगा, बड़ा अच्छी, उसके पता नहीं कितना कुछ पढ़ रखा होगा, क्योंकि अब उसके पास वो चंचल, अरे फिल्म आ रही टीवी पे, छोड़ किताब रख साइड में, चलो फिल्म देखने चलते हैं। ये है चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग होना।
अरे अच्छा खाना बनाया, अच्छा तू शादी में जा रहा है यार, मुझे भी ले चल, अब उसको शादी देखनी है, अरे यार तुझे तो बुलाया नहीं, भाई कोई बात नहीं, अपन तो तेरे दोस्त है, तेरे भाई है, उसको भी नमस्ते मार देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है, जबकि उसी जगह उस चंद्रमा खराब वाले को कहोगे नहीं यार मुझे तो पढ़ाई पढ़नी है, मुझे तो बुलाया ही नहीं है। नीच का चंद्रमा प्रैक्टिकल ज्यादा बना देता है, इसलिए नीच का चंद्रमा रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं माना जाता, बहु क्योंकि हाईली जोन में चला जाता, हाई प्रैक्टिकल जोन में चले जाते हैं। पर इसका मतलब जो आदमी प्रैक्टिकल है या किसी अपने टारगेट के अचीवमेंट के प्रति बहुत डेडिकेशन के साथ लगा हुआ है, उसे हम ये नहीं कह सकते कि ये अकेलेपन का शिकार होकर के ऐसे संबंधों में चला जाएगा। हाँ, चंद्रमा का पीड़ित होना और साथ में शुक्र का खराब होने, ये अवैध संबंधों की तरफ है। वो उसको हमें अंतर को समझ, तो ज्योति जी समझ गए? हाँ सर समझ तो गई। तो सर इसमें हम गुरु का भी कहीं समझेंगे कि सही शिक्षा ना मिलना, गुरु भी इसमें कहीं ना कहीं, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, हर देश बहुत अपने आप में अच्छी शिक्षा देता है, हर गुरु अपने नहीं, आप सर, जो हमने पहले बात की थी जैसे कि समलैंगिकता और वो गेज और लेस्बो, जो बचपन में जो सही शिक्षा ना मिली हो, नहीं 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 माता पिता के, नहीं ये इस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं करता, ना माँ बाप गलत शिक्षा देता, ना गुरु देता, ना स्कूल देता, ना टीचर देता, ना सोसाइटी आपको गलत शिक्षा देती है, ये सिर्फ लॉनलीनेस का है, इमोशंस को स्पेस ना मिलने का एक कारण है, और जो मैंने चीजें बताई हैं उसके प्रति। देखिए अभी आपने जब शुक्र की बात चली तो आपने कहा वो क्वालिटी को पसंद करने वाला, तो यहाँ तो क्वालिटी बिल्कुल ही डाउनग्रेड हो गई नेचुरल चीज से। पर सर वो संतुष्ट तो हो गए तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन तो नो 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 नो, वो बनावटी संतुष्टि है फॉर सम टाइम, इसलिए लव नहीं है। ओ जी समझ गए सर। हाँ ये चीज ध्यान रखना। थैंक यू सर। हाँ जी सर, हम पूछ रहे थे कि आपने जैसे बताया राहु और केतु को देखना है अच्छे खराब के, शुक्र अच्छे खराब के लिए, तो सर राहु केतु को 6-8-12 में देखना है कि और भी कोई मेथड से देखना है कि अच्छा और खराब कहाँ है राहु केतु? अभी आएगा है ना सुषमा जी, आगे कराएंगे आपको, राहु केतु भी कराएंगे, ठीक है? अभी तो यही सूत्र पकड़ के रखो आप। हाँ जी सूत्र तो सही, सूत्र तो आया समझ में सर, लेकिन उनको अच्छा बुरा देखना ये समझ में नहीं आ रहा। आएगा कल का इंतजार करो आप, आएगा। ठीक है सर, आप लोगों को धैर्य की भी सिखाता रहता हूँ। अमर जी बताइए। हाँ गुरु जी, एक मन में प्रश्न आ रहा है, जैसे आपने बताया कि ये जो कारण जो है गे और लेस्बियन के बारे में, इसमें नक्षत्र का कुछ रोल होंगे क्या? नहीं, बहुत कम, ना के बराबर। वैसे जोड़ने को तो ज्योतिष में हम बहुत सी चीजों के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि नक्षत्र के भी प्लैनेट ही स्वामी होते हैं। सुनील जी कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, नहीं सर, इसी टॉपिक में अभी एक सुप्रीम कोर्ट के जज की केस भी चल रही है। कल भी हमने डिस्कस किया था क्लास में। जी तो, और एक प्रेसिडेंट, एक कंट्री के प्रेसिडेंट के भी केस चल रही है अभी। तो जज लोग हैं ये, बहुत बहुत पावरफुल लोग होते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस नहीं करना, ये जाने इनका काम जाने। मैंने एक बात कही है, इनकी पर्सनल लाइफ में अगर आपको झांकने का कभी मौका मिले तो आप यही पाएंगे कि इनके बचपन में लोनलीनेस का बहुत बड़ा हाथ था। इनको माँ बाप ने पूरा स्पेस नहीं दिया, माँ बाप ने समय नहीं दिया। मेरे पास ये केस बहुत आए हैं और मेरे पास ये केस हैं भी, और मैंने उनके लाइफ में जब झांकने की कोशिश करी तो नेट सेल में यही बातें निकल करके आई, और जो मैंने बात बताई आपको ये किसी किताब से नहीं बताई, अपने अनुभव से बताया, ये योग भी अनुभव से बताया है, उनमें इन चीजों का ही बहुत रोल है। ठीक। हाँ लीना जी। सर मुझे बस एक ही चीज पूछना है, जैसे आपने अभी तक सारे प्लैनेट्स के साथ कि कब प्लैनेट बद होता है वो बताया, तो इसका आप आगे बताएंगे कि शुक्र कैसे कैसे बद हो जाता है हमारा? बद नहीं, बद मंगली है बस। ये मंद हो जाता है, मंदा हो जाता जी, तो मंदा होने के जैसे एट्रीब्यूट्स होते हैं तो वो आप बताएंगे आगे? आज के मैं दोबारा सुनिए, मैंने मध्य की भी बताए, अच्छे की भी बताया और मंदे की भी बताए, जो सेटिस्फाई नहीं है, जो खुश नहीं है, जो कंजूस है, ये सब मध्य के ही तो है ये।
नहीं ये ठीक है, बट जैसे आप हाउस वाइज कई बार जैसे अब हम उसका देखें मंगल का जी 1-3-8 पहले भी तो आए हम। अच्छा ठीक है ठीक है, मुझे वही थोड़ा सा था नहीं, नहीं। जी छठे नहीं जाने दो, नवे में जाने दो, जब मंदा हो जाएगा जी कर देंगे मंदा जी लोगों के तो शुक्र अच्छे नहीं हो रहे हैं, लोगों को तो बहुत बड़ी परेशानी है, शुक्र 60-70% जनता का शुक्र अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है ये समझ लीजिए, ये तो मामला वैसे ही सेंसिटिव है। कोई बात, जैसे आपका वीडियो मैंने देखा था जैसे आपका वीडियो मैंने देखा था, बहुत अच्छा वीडियो आपका यूट्यूब पे शुक्र का बच्चा, तो उसमें आपने मुझे एक ही लाइन याद है कि बुध से अगर आगे है शुक्र तो अच्छा है, बुध के पीछे हो गया तो शुक्र खराब, तो उस तरीके से आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप हाउस वाइज बताएंगे या ऐसे भी सेपरेट लिखाएंगे, बताएंगे भी तो मौका तो दो, आज तो 1.25 घंटे से मतलब 1.5 घंटा हो गया है मौका, बहुत अच्छा था आज तो शुरुआत की है मैंने है, अभी तो गाड़ी का इंजन गर्म हुआ है, अभी तो चलने दो है, चलिए धन्यवाद आप लोग, धन्यवाद, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच।